ये मेन स्लाइड है इस प्रेजेंटेशन की, कि सबसे पहला पॉइंट है कि सूट एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान के पास ज़रूर होना चाहिए, जनरलमैन के पास, इन जॉब सीकर के पास, बिजनेसमैन के पास एक सूट ज़रूर होना चाहिए। कौन से कलर का होना चाहिए? चारकोल कलर का होना चाहिए, नेवी। ये बहुत वर्सटाइल कलर है, इसको नेवी कलर कहते हैं। इसके कॉम्बिनेशन बहुत हैं, आप बहुत सारे सूट्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। एक कम यूज़ होती है इंटरचेंजेबल वार्डरोब, मतलब कि आप उसको मल्टीपल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इस नेवी को आप ग्रे के साथ पहने, ब्राउन के साथ पहने, खाकी के साथ पहने, किसी के साथ पहन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सूट ब्लैक ना लीजिए, ये मेरी एडवाइस, ब्लैक ना। ये चारकोल कलर लाइक डार्क ग्रे कलर, आई थिंक मैं सुमल साहब ने पहना हुआ शायद, ये डार्क ग्रे चारकोल कलर कहते हैं, कोयले का कलर, इन सर ने भी पहना हुआ। ये कलर बहुत वर्सटाइल कलर है, लाइक आप ब्लैक ना लें लेकिन चारकोल कलर जो है या डार्क ग्रे कलर, ये भी बहुत, दो कलर्स बहुत वर्सटाइल है, एक ये नेवी और एक ये चारकोल। ब्लैक को बोल, ब्लैक का ट्रेंड पुराना हो चुका है, लॉयर्स ज़्यादा पाकिस्तान में पहनते, लेकिन मैं भी उसको थोड़ा सा प्रेफर, उसके कॉम्बिनेशन नहीं है। ब्लैक के साथ आप ब्लैक शूज़ ही पहन सकते हैं, चारकोल नेवी के साथ आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जूतों का भी, शूज़ का भी, हर चीज़, लेकिन ब्लैक के साथ आपको सिर्फ ब्लैक पहनना होगा, तो इसलिए उसके कॉम्बिनेशन बहुत कम है। आप लिमिटेड हो जाए, दो सूट लें आप नेवी और चारकोल, मल्टीपल कॉम्बिनेशन करें जिसके साथ मर्जी पहनें, क्योंकि स्मार्ट कैजुअल, आई एम एक्सपर्ट इन स्मार्ट कैजुअल, तकरीबन स्मार्ट कैजुअल कॉम्बिनेशन में 50 कॉम्बिनेशन मेरे हैं, क्योंकि मैं टाई वही मैंने आपको बताया, यही रहता है टाई, सिंपल पैटर्न की होनी चाहिए। ये मैं आपको थोड़े सा बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो थ्रू आउट लाइफ आप याद रखेंगे कि किसने बताया, और ये बहुत अहम है, ये सिर्फ आज के सेशन के लिए नहीं है, पूरे करियर में आप चाहे बड़े से बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, आप बैंकर्स बन जाएं, मैनेजर बन जाएं, डायरेक्टर बन जाएं, सीईओ बन जाएं, अगर ये बेसिक्स आपको पता है ना ड्रेस कोड की, तो आप कहीं भी मार दीजिए, आई प्रॉमिस। अगर ये दो सूट आपके पास है, उसके बाद टाई, टाई लोग क्या करते हैं, अब टाई तो ले ली, कौन सी टाई पहननी है, उसको मैच किसके साथ करते हैं, क्या सिंपली लोग टाई को सूट के साथ मैच करते हैं, जो सूट का कलर है उसके साथ मैच करते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो ये है टाई आपके आउटफिट के किसी भी हिस्से के साथ मैच कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने टाई सॉक्स के साथ मैच की, जिस कलर की सॉक्स है उस कलर की टाई, और जो पॉकेट स्क्वायर है ये उसके साथ कोऑर्डिनेट कर, इससे क्रिएटिविटी आती है। अगर आप देखेंगे यार इज अ क्रिएटिव मैन, जो उसने कोऑर्डिनेट किया है चीज़ें को, ऐसे नहीं कि कुछ भी मिला और पहन लिया, इसीलिए टाई जो है आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन इंटरव्यू के लिए कौन सी टाई पहननी चाहिए, इंटरव्यू के लिए म्यूटेड कलर जो कि डिस्ट्रैक्ट ना करे आपके इंटरव्यू में, वो टाई पहने, लाइक आप बर्गंडी कलर जिसको मैरून कलर कहते हैं, मेरी सबसे फेवरेट टाई बर्गंडी कलर, मैरून कलर, ठीक है, उसके बाद आप ग्रीन कलर पहन सकते हैं, लेकिन डार्क ग्रीन, आप ब्लैक भी पहन सकते हैं, लेकिन ये म्यूटेड कलर हो जो कि डिस्ट्रैक्ट ना करे उसकी अटेंशन को, ऐसा ना आप ब्राइट रेड पहन के चले जाएं जैसे ट्रम्प पहनता होता है, ठीक है, उसकी टाई पे ही सबका फोकस हो, उसके बालों पे और टाई पे, बाकी और किसी चीज़ पहने, तो म्यूटेड कलर पहने कि आपका इंटरव्यूअर जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं। शूज़ जो है, ड्रेस शूज़ पाकिस्तान में भी अभी हम लोग जो है शर्ट की तीसरे नंबर पे शर्ट का भी हमें नहीं पता, शर्ट ऑक्सफोर्ड कॉलर शर्ट होती है, टाई के लिए स्पेशल, इनको ऑक्सफोर्ड कॉलर कहते हैं, ठीक है, वाइड कॉलर इस तरह, इनके साथ ये टाई स्पेशल लगाई जाती है, तो ऑक्सफोर्ड कॉलर नहीं, बटन डाउन भी होती है, अभी किसी ने बटन डाउन शर्ट पहनी नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताता जिसके इधर यस सर ने पहनी थी बटन डाउन, ही नोज एवरीथिंग अबाउट ड्रेस, ये बटन डाउन जिसके यहाँ बटन है, और ये अमेरिकन स्टाइल है, वो लोग बहुत बटन डाउन शर्ट यूज करते हैं, ये आप तीन कलर शर्ट के ले लें तो थ्रू आउट लाइफ आप पहन सकते, दो सूट नेवी और चारकोल ग्रे और एक और ग्रे डार्क ग्रे, तीन सूट और तीन शर्ट्स, शर्ट्स वाइट और लाइट ब्लू कलर क्योंकि वसीम साहब ने पहना हुआ है, ठीक है, और आप जो है पिन स्ट्राइप लाइनिंग वाली टी शर्ट, इनफ, बहुत। इसके बाद ड्रेस शूज, ये सबको पता है कि पॉलिश जरूर
करके जाए, अगर नहीं है ना पॉलिश तो एक शू शाइनर मिलता है छोटा सा, वो आप अपने ब्रीफ केस में ज़रूर रखें। ये मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूँगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं ऑब्जर्व करता हूँ ना, और ये है भी सही, वो आपके शूज़ हैं। जो लेडीज़ भी सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग में ऑब्जर्व करती हैं चीज़, वो है आपके शूज़। आपके शूज़ बताते हैं कि आप जो है कितने डिसेंट हैं, या कितने एलिगेंट हैं, या कितना स्टैंडर्ड। शूज़ की बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर आपके शूज़ बहुत अच्छे हैं तो समझ लें कि आपने, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं ऊपर से नीचे तक वेल ड्रेस होते हैं, लेकिन नीचे शूज़ जो है उस टाइप के नहीं पहने। इवन कि पाकिस्तान में तो खैर दूसरी तरह के ही होते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ चले जाएगी बात। लेकिन ऑक्सफोर्ड स्टाइल, ये स्टाइल जो है ये कॉमन है इस टाइम। ऑक्सफोर्ड स्टाइल के जूते ही पहनने चाहिए, हर शूट के साथ पहन सकते हैं। बहुत टाइप है, लेकिन जूतों पर खास तवज्जो दें। शू शाइनर रखें, छोटा सा मिलता है, वो बैग में रखें, जैसे इंटरव्यू के लिए जाएं आप उसी टाइम शू शाइन कर लें। उसके बाद पॉकेट स्क्वेयर, इसको पॉकेट स्क्वेयर कहते हैं। ये लाजमी से एक्स्ट्रा यू समझे, काफ़ी अगर देखें काफ़ी लोग हैं जिन्होंने सूट पहने हुए लेकिन उनका पॉकेट स्क्वेयर नहीं है, लेकिन मेरे सूट में पॉकेट स्क्वेयर है, सो आई एम अ डिफरेंट।